लेने का मैं स्वागत करता हूँ। मैं खुश हूँ कि कानून वापस हुए, पर मेरी खुशी अधूरी है क्योंकि 10 महीने पहले यह कानून वापस लेते तो 700 किसानों के जान नहीं जाते और जो मरे हैं वह किसी के पति, भाई या बेटा है। वह जिंदे जागते मनुष्य थे, उनको बचाया होता तो अच्छा होता। दूसरी बात मैंने कही, महाराष्ट्र के 1,00,000 बेटों को मारने वाला क्रूर अब्दाली का चित्र जिस संसद में अफगानिस्तान में लगा है, वह अहमद शाह अब्दाली का गुणगान करने के लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपया दिया, मानी हमारे बेटों को मारने वालों का गुणगान किया है। तो कम से कम मरने वाले 700 किसानों को 1-1 करोड़ देकर भारत के बेटे को भी सम्मान करो। हमारे बेटे को मारने वालों का सम्मान किया है न तो बुरा है, कम से कम हरेक किसान को 1-1 करोड़ देकर भारत के बेटे को सम्मान करो, यह मैंने कहा। सर अभी कर करो, एक एक सबको बोला। मुझे ये बताओ, 17 जनवरी 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा था, 2021 में भी भागना पड़ा या नहीं? तो हिंदू खतरे में है वो नहीं कहेंगे? और हिंदू खतरे में है उनके मेरे दो ही कारण है। हजारों वर्षों के बाद हिंदुओं की जनसंख्या घटने लगी है, घटकर अगले 50 वर्ष में 50 करोड़ हो जाएगी और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर 20 से 55 करोड़ हो जाएगी। खतरे का एक कारण, खतरे का प्रवेश मिलता है तो पुलिस में भर्ती हो, सेना में भर्ती होकर देश हाथ खड़ा किया तो कल से करोगे या नहीं? तब करोगे।